સેલવાસ ખાતે આવેલ લાયન્સ ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં એનડીઆરએફ ટીમ દ્વારા કુદરતી આફતો સામે રક્ષણ કેવી રીતે મેળવવું તેમજ સુરક્ષાની કામગીરી કેવી રીતે કરવી તે માટે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લાયન્સ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ ખાતે ગુજરાત એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ભૂકંપ પૂર આગ જેવી કુદરતી આફતો સામે સુરક્ષાલક્ષી કામગીરીનું પ્રત્યક્ષ નિર્દેશન કરી બતાવી આફતો સામે રક્ષણ કેવી રીતે મેળવવું તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. देखिए जो मॉक जो जनरली जो मॉक एक्सरसाइज किया जाता है उसका उद्देश्य ये होता है कि हम कम्युनिटी को और जो कम्युनिटी का मुख्य पार्ट स्कूल होते हैं जहाँ आपके बच्चे अध्ययन करते हैं उसको हम अवेयर करें डिजास्टर रिस्पॉन्स के प्रति. क्योंकि जनरली अर्थक्वेक आता है तो हाई राइज बिल्डिंग कोलैप्स होती है. उस बिल्डिंग उस समय जब वहाँ बच्चों को निकालना सबसे जरूरी होता है, भगदड़ मचने की संभावना होती है. इसके मदद बच्चों में भूकंप के समय हम बाहर कैसे निकले, पैनिक ना हो, उसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है. मॉक एक्सरसाइज में अदर स्टेक होल्डर जो होते हैं डिजास्टर में, जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज है, पुलिस होते हैं, फायर होते हैं, सबके ज्वाइंट टीम बनाई जाती है कि आप एक साथ एक टीम के रूप में उसमें रिस्पॉन्ड करें और कैजुअलिटी को कम से कम कर सके. जब भी ऐसे उनकी सूचना मिलती है चाहे टीवी के माध्यम से अन्य कहीं से, जब भी ऐसे होते कम से कम वो जितना जल्दी हो उतना जल्दी वो घर से बाहर हो जाए अर्थक्वेक की स्थिति में. अच्छा, कहीं भी घर अर्थ डैमेज घर है, जो सेमी जो क्रैक्स आ गए हैं अगर मकान में उसमें कभी दोबारा मत जाए, क्योंकि भूकंप के बाद अर्थ आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, दोबारा झटके आते हैं. उस समय में जो बिल्डिंग अर्थ ध्वस्त है या सेमी क्रैक्स उसमें आ रखे उस बिल्डिंग में फिर दोबारा गिरने की संभावना होती है, तो उस समय बाहर निकल जाना चाहिए. और जब भी कभी अगर ऐसे फंस गए तो जो भी बिल्डिंग्स है उसमें कॉलम के पास कुछ वाइड एक्सपोज बचते हैं, जो भी कॉलम और बीम होते हैं वहाँ उनको छुपना चाहिए. और साथ साथ उनको जो घर में उनके पलंग है, टेबल्स हैं या और अलमीरे हैं उनको साइड में करके वहाँ उनको बैठना चाहिए. सर को कभी भी नेक नहीं रहना चाहिए जब भूकंप और फंस गए हैं तो, क्योंकि उसमें कोई छत गिरता है तो उनको सर को नुकसान पहुंच सकता है, उसमें उसकी डेथ हो सकती है. आज के कार्यक्रम के लिए मैं अक्षय उपाध्याय यहाँ पे ऑब्जर्वर कैपेसिटी में था सीआईएसएफ, क्योंकि यहाँ स्टेशन है. मैंने ऑब्जर्व की ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस काफी अच्छी है एनडीआरएफ की, उनके इंस्ट्रूमेंट्स मशीन्स जिस तरीके से उन्होंने गाइड करवाया लोगों को इस स्कूल के साथ रिस्पांस. और ये इस तरीके की मॉक ड्रिल होने से सिर्फ इस स्कूल में नहीं, आपस में भी कंपटीशन के नजरिए से दूसरे स्कूल्स भी अपने अंदर फिर ये करवाना चाहते हैं. और एक बच्चे को अगर यहाँ से अवेयरनेस मिलती है तो एक बच्चा जिस तरीके से कहता है अपने घर में जाके और चार सदस्यों को बताएगा, ये चार सदस्य की वजह से जो जागरूकता यहाँ पे पैदा होगी नॉट जस्ट अर्थक्वेक इवन डिजास्टर्स के प्रति, वो एक बहुत अच्छा साबित हो सकती है जस्ट इन केस यहाँ पे कोई अगर ऐसी कंटिंजेंसी होती है तो. और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, उन्हें क्या क्या करना है वो पता चलता है. और आज का जो पूरा ड्रिल था वो मेरे हिसाब से सैटिस्फाइंग था.